आज हमने बेबी पोटैटो बनाए। बेबी पोटैटो बनाने के लिए हमने सबसे पहले इस साइज के आलूओं को उबाल कर रेडी कर लिया। ये आलू खाने में बहुत टेस्टी होती है, चाहे आप इसको बेबी पोटैटो मसाला, इसके लिए मैंने ये छोटे साइज के जिसके हम लोग दम आलू बनाकर रेडी करते हैं वो आलू उबालकर छीलकर रेडी कर लिए। अब हमने गैस पर ये कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में चढ़ा दी, अब हम इसके अंदर ये आधी छोटी चम्मच हींग डालेंगे और आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। दोनों चीजें हमारी अच्छे से भुन गई। अब जो आलू हमने लिए हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए आलू हमने चढ़ा दिए हैं, अब हम इसको अच्छे से अभी इसी ऑयल में थोड़ी देर इसी तरीके से हम पलट पलट कर इसको हल्का सा कुरकुरा होने तक भून कर रेडी करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। अभी हम इसके अंदर कोई भी मसाले ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए अब हमारे आलू थोड़े थोड़े क्रिस्पी होना शुरू हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा करी पत्ता भी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, करी पत्ता डालने से इन बेबी को पोटैटो जो हम बना रहे हैं उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड्स, बेबी पोटैटो बनाने के लिए जब हम पहले इस तरीके से आलू को क्रिस्पी कर लेते हैं, कोटिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए आप जब बेबी पोटैटो रेसिपी सब बनाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी होती है, आप इसको स्नैक्स के रूप में भी की तरह भी सर्व कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पे पहली बार आए और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन प्रेस और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी बनाई रेसिपी कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो फेसबुक पर भी डालते हैं, वहाँ पर जाकर भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ी देर और इसी तरीके से भूनते रहेंगे। ये देखिए आलू हमारे ऑलमोस्ट भून गए हैं, हमें ऐसे ही चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने मसाले लिए हैं, ये हमने आधा छोटा चम्मच काली मिर्च और जीरा पाउडर मिक्स करके लिया, आधा छोटा चम्मच खटाई पाउडर, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच कस्तूरी लाल मिर्च लिए। अब हम धीरे धीरे इन मसालों को भी इसके अंदर स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए मसाले हमने डाल दिए हैं और सब्जी से स्ट्रेन कर दिया है। अभी हम इसको 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से गैस पर भूनेंगे ताकि हमारे जो हमने बेबी पोटैटो बनाए हैं उनमें सारे मसालों की कोटिंग अच्छे से हो जाए। फ्रेंड्स, ये यकीन मानिए ये रेसिपी इतनी अच्छी लगती है खाने में, आप इसको टिफिन बॉक्स में दे दीजिए। आपके घर में छोटी मोटी पार्टी हो आप उसको स्नैक्स में भी सर्व कर सकते हैं। अभी हम आपको इसी तरीके से इसको अभी हम लो गैस पर थोड़ी देर भूनेंगे। ये देखिए आलू हमने थोड़ी देर के लिए भूनने के लिए चढ़ा दिए थे। ये देखिए हमारे बेबी पोटैटो कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, आज हमने बेबी पोटैटो बनाए। बेबी पोटैटो बनाने के लिए हमने सबसे पहले इस साइज के आलूओं को उबाल कर रेडी कर लिया। ये आलू खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, चाहे आप इसको लंच में खाइए, डिनर में खाइए, टी टाइम में खाइए, कभी भी आप इस आलू को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप जब इस आलू को एक बार बनाकर ट्राई करेंगे तो आप बार बार इसी तरीके से बनाकर खाना पसंद करेंगे, बाकी सारे तरीके आप भूल जाएंगे। आइए।